ज्योतिका तंगारी एक भारतीय पार्श्व गायिका है। गायिका को उनके गानों शादी में जरूर आना, पल्लो लटके, टोटल धमाल, मोगरा, जबरिया जोड़ी, खड़के गालसी और कई अन्य गानों के लिए जाना जाता है। उन्होंने हाफ गर्लफ्रेंड में फिर भी तुमको चाहोगी से डेब्यू किया। उनके संस्करण को फिल्म में शामिल नहीं किया गया। अंततः श्रद्धा कपूर का संस्करण हिट हो गया। उन्होंने बहन होगी तेरी, शादी में जरूर आना और फुकरे रिटर्न जैसी फिल्मों के लिए गाना गाया। उन्होंने 2018 में सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका के लिए जी सिने पुरस्कार अर्जित किया। उन्होंने अपना पंजाबी डेब्यू बजारे दा सिट्टा गाने से किया। तंगारी भारतीय रियलिटी शो टेलीविजन शो द वॉइस में एक प्रतियोगिता थी। 2016 में आयोजित प्रतियोगिता में उन्हें जगह नहीं मिली थी। वह जी टी वी पर सारे गामा पा लीटर फाइनलिस्ट में भी थी। उन्होंने अजय के पत्रलाल की 2017 की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म बहन होगी तेरी में साहिल सोलंकी द्वारा सहगा गीत जय माँ के माध्यम से एक पार्श्व गायिका के रूप में शुरुआत की। इस ट्रैक की रचना जयदेव कुमार ने की थी और इसकी गीतकार सोनू संगू था। उसी फिल्म का उनका दूसरा गाना जिसका नाम तेनु ना बोल पावा में यार सरा देसाई के साथ समीक्षक द्वारा प्रशंसित था। अमजद नदीम द्वारा रचित और रोहित शर्मा द्वारा लिखित यह गाना एल्बम के कुछ हिट ट्रैक में से एक था। इसके बाद तंगरी ने मोहित सूरी की हाफ गर्लफ्रेंड से फिर भी तुमको चाहूंगा एक विशेषण संस्करण गाया। मिथुन द्वारा रचित मूल रूप से अरिजीत सिंह और श्रद्धा कपूर द्वारा गाया गया और मनोज मुत्तासरी द्वारा लिखित इस गीत ने तंगारी को फिल्म उद्योग में एक संगीत आधार स्थापित करने में मदद की। तू ही है का महिला संस्करण भी गाया, जिसे मूल रूप से राहुल मिश्रा ने गाया था। तंगारी का पहला हिट गाना राजकुमार राव और कृति खरबंदा अभिनीत विनोद बच्चन की फिल्म शादी में जरूर आना का कुमार का पल्लो लटके था, जिसे जेम्स सैम राइस ने संगीतबद्ध किया था। बाद में वर्ष में टंगारी ने फुकरे रीजन्स का महिला संस्करण इसक के हथियार गाया। द स्टोरी ऑफ पोर्नाक ने शुभ दिन गाना गाया। सचिन जिगर द्वारा रचित और वायु द्वारा लिखित यह गाना समीक्षकों द्वारा प्रसिद्ध था। 2020 में तंगारी ने चेतन भट्ट, रामजी गुलाटी और अमजद नदीम अमीर के संगीत निर्देशन में उर्वशी रौतेला अभिनीत फिल्म वजीन बनुप्रिया के लिए 3 गाने गाए।